How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, today we will do SSUT3 revision. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first question is, answer the following questions. Let's see the first question. Which is our first school? हमारा सबसे पहला school कौन सा होता है? Yes, our home is our first school. हमारा घर ही हमारा सबसे पहला school होता है, right? Next question is, what do we learn from our family? हम हमारी family से क्या सीखते हैं? Let's see the answer. We learn togetherness, the art of living helpful and to give respect to our elders. हम क्या सीखते हैं? दूसरों की मदद करना, दूसरों की respect करना, हमसे जो बड़े हैं या हमसे छोटे हैं सबकी respect करना और कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सारी चीजें हम हमारी family से सीखते हैं, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर. यस, आप सभी को पता है ना, अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन ऑल स्टे टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली. ऐसी फैमिली के जिसमें दादा दादी हो, हमारे मम्मी पापा हो, हमारे भाई बहन, हम, फिर हमारे अंकल आंटी, मतलब हमारे जो चाचा चाची होते हैं वो, और हमारे कज़िन होते हैं, राइट, मतलब हमारे जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं, तो हम साथ में रहते हैं मिलकर, तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली. राइट देयर नेम्स. आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपको नेम्स लिखने हैं. लेट्स सी द आंसर. इन माय फैमिली देयर आर माय ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स, माय सिस्टर, ब्रदर एंड आई. मेरी फैमिली में तो मेरे दादा दादी है, मम्मी पापा है, मेरी सिस्टर, मेरा भाई और मैं हूँ. तो आपकी फैमिली में कौन कौन है किड्स, वो आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स विथ हुम एंड हाउ. किड्स, क्या आपके घर में किसी के बीच में सिमिलैरिटी है, जैसे कि कोई एक जैसा बोलता है, कोई एक जैसा हंसता है, कोई एक जैसा दिखता है, कौन सिमिलर है और कैसे है, वो आपको लिखना है. लेट्स सी द आंसर. देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन फर्स्ट इन द वे माई फादर एंड आई वॉक. सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो है मैं और मेरे पापा एक जैसा चलते हैं. सेकेंड इज इन द वे माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर लाफ. सेकेंड जो है वो है मेरे दादा और मेरे पापा एक जैसा हंसते हैं. नेक्स्ट इज इन द वे माई सिस्टर एंड माई मदर लुक. मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर एक जैसे ही दिखते हैं. एंड फोर्थ इज इन द वे माई सिस्टर एंड माई फादर टॉक. और मेरे पापा एंड मेरी जो सिस्टर है वो एक जैसे बात करते हैं. तो इस तरह से हमारे घर में सिमिलैरिटी है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम. आप घर में कौन से काम में हेल्प करते हो, वो आपको लिखना है. लेट्स सी द आंसर. इन होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस. मेरे घर में मैं मेरी मम्मी को घर क्लीन करने में हेल्प करती हूँ. आई हेल्प माई सिस्टर टू फिल वाटर. मेरी सिस्टर को पानी भरने में हेल्प करती हूँ. आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द टेम्पल एंड हेल्प माई फादर इन द फार्म. मैं मेरे दादा दादी को टेम्पल लेकर जाती हूँ एंड मेरे फादर को फार्म में हेल्प करती हूँ. एंड फीडिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड गिविंग देम वाटर. और जो एनिमल्स है उसे मैं खाना देती हूँ और उन्हें पानी भी देती हूँ. तो इस तरह से मैं मेरे घर में हेल्प करती हूँ. आप भी इस तरह से घर में हेल्प करते हो ना किड्स, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फूड आइटम्स डू वी यूजुअली ईट. वैसे यूजुअली हम कौन सी फूड आइटम्स खाते हैं. लेट्स सी द आंसर. द फूड आइटम्स विच वी यूजुअली ईट आर रोटी, भाखरी, रोटला, राइस, दाल, पल्सीज, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हम ज़्यादातर कौन सी चीज़ें खाते हैं? यस, रोटी, भाखरी या रोटला, राइस, फिर खिचड़ी, है ना, फिर दाल
अलग अलग टाइप्स के पल्सेस, फिर मिल्क और उसके बने प्रोडक्ट्स जैसे कि दही है या बटर मिल्क है या पनीर है वो, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी हम खाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक, विच डिफेक्ट डिड चकू हैव, इन व्हाट वाज शी स्किल्ड। किड्स, हमने जो चैप्टर 7 पढ़ा उसमें चकू को कौन सा डिफेक्ट था और वो किसमें बहुत ही अच्छी थी, उसकी स्किल किसमें थी अच्छी। Let's see the answer. According to the story in the textbook, Chaku was deaf. She was skilled in playing the piano. हम चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि चकू जो है वो डीफ है, राइट। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, राइट। बट शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो, पर वो पियानो बहुत ही अच्छे से बजा लेती है। Now kids, our next question is, how do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? Let's see the answer. I know that I am hungry when my stomach feels empty. Yes, हमारा पेट जब खाली खाली फील करता है तब हमें लगता है ना कि हमें भूख लगी है, right? I do not feel like doing anything. फिर हमें काम में मन भी नहीं लगता है, जैसे कुछ काम ही ना करे ऐसा लगता है। I feel weak and want to eat something. फिर हम weak feel करते हैं, right? हमारे अंदर जैसे energy चली गई हो ऐसा लगता है और हमें कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है। Due to all these, I realize that I am hungry. तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, right? आपको भी ऐसा होता है ना kids? हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में जैसे चूहे दौड़ने लगते हैं, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई शुड वी ईट फूड, क्यों हमें खाना खाना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। वी शुड ईट फूड फॉर द फॉलोइंग, हमें क्यों खाना चाहिए? बिकॉज टू गेट सफिशियंट एनर्जी टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस। बहुत सारे हमें काम करने होते हैं ना दिन भर, राइट। तो बहुत सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए, राइट। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड में से मिलेगी। नेक्स्ट इज, टू अलाउ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, फिर हमारी बॉडी का अच्छे से ग्रोथ हो उसके लिए भी हमें खाना खाना चाहिए। एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी जो डिजीज होते हैं उससे बच पाए, उसे प्रोटेक्ट हो पाए, इसलिए भी हमें अलग अलग टाइप का खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके, राइट। एंड टू एंश्योर दैट द बॉडी फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक, और हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश फील करे, एनर्जेटिक फील करे, उसके लिए भी हम खाना खाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लूज पड़ जाएगी, राइट, और हमें कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए एनर्जेटिक रहने के लिए भी हम फूड खाते हैं। So kids, now let's see question number 2. Different methods of cooking food is given here. Give 2 examples of each. यहाँ पर method दी हुई है cooking की, तो हमें यहाँ पर 2 examples लिखने हैं. Let's see, first is roasting, मतलब कि सेकना, right? तो हम कौन सी food items जो है वो सेक के बनाते हैं? तो रोटी, भाखरी, रोटला, उसे हम तवे पर सेकते हैं, right? तो उसे बोलते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट इज फ्राइंग, तो ऑयल के अंदर या घी के अंदर जिसे हम फ्राई करते हैं, तो पूरी, भजिया, समोसा, ये सारी चीज़ों को हम ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो उसे फ्राइंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, बॉईल करना या तो स्टीम करना, तो जैसे खमन, खिचड़ी, राइस, उसे हम स्टीम करके बनाते हैं, राइट। एंड लास्ट इज शैलो फ्राइंग, मतलब कि थोड़ा सा ऑयल का यूज करके फ्राई करना, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, 1 या 2 स्पून ऑयल लेकर कोई भी चीज़ को फ्राई करना, उसे शैलो फ्राइंग कहा जाता है। तो पराठा एंड थेपला, राइट, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करते हैं और उसे शैलो फ्राई करते हैं। Now kids, our next question is, write whether the given habit is good habit or bad habit. यहाँ पर कुछ habits दी गई है तो हमें बाजू में लिखना है कि वो good habit है या bad habit है। Let's see, first question is chewing properly, अच्छे से चबाना, तो ये एक good habit है, तो बाजू में आपको answer में लिखना है good habit. Next is eating stale food, मतलब बासी खाना खाना, तो ये तो एक bad habit है, एक खराब आदत है, right? हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये एक bad habit है. Next is eating only what one's like, हमें बस जो एक खाना पसंद है वही खाना हर रोज़ खाना है, तो ये एक बैड हैबिट है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको रोज़ अलग अलग टाइप्स के खाना खाना पड़ेगा, राइट। तो ईटिंग ओनली वन दैट वी लाइक इज बैड हैबिट। नेक्स्ट इज ईटिंग ओनली पोटैटोज एवरी डे, हर रोज़ सिर्फ पोटैटोज ही खाना, तो ये भी एक बैड हैबिट है,
राइट हमें हर रोज अलग अलग टाइप्स के कुछ पल्सेस, दाल या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ ही खाना चाहिए. नेक्स्ट इज ईटिंग वेरियस दाल्स ड्यूरिंग द वीक. वीक में अलग अलग टाइप्स की दाल खाना, तो ये एक गुड हैबिट है. नेक्स्ट इज ईटिंग फ्राइड फूड एवरी डे. हर रोज सिर्फ फ्राई खाना ही खाना, तो ये एक बैड हैबिट है, राइट. नेक्स्ट इज ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स. हर एक खाना खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना, साफ करना, तो ये एक गुड हैबिट है, राइट. हम फ्लोसिंग भी करते हैं, राइट, कि जिससे कि हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंसा होता है वो निकल जाए और हमारे दांत खराब ना हो, तो ये एक गुड हैबिट है. नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन एवरीडे डाइट. हमारा जो हर रोज का खाना है उसमें अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ऐड करना, तो दैट इज गुड हैबिट. हमें हर रोज फ्रूट्स एंड अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स खाने चाहिए. नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स वेल बिफोर मील्स. खाना खाने से पहले अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना, तो दैट इज गुड हैबिट. नेक्स्ट इज ईटिंग इन अ हरी. जल्दी जल्दी से खाना खाना, तो ये एक बैड हैबिट है, राइट. नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट. लेट्स सी, यहाँ पर जो फर्स्ट मैच द लिस्ट दिया गया है मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल हम किसे कहते हैं? यस, हमारे मम्मी के जो भाई होते हैं, राइट, मदर्स ब्रदर, तो उन्हें मैटरनल अंकल कहा जाता है. नेक्स्ट इज पैटरनल अंकल. तो पैटरनल अंकल हम किसे कहते हैं? यस, हमारे पापा के भाई, मीन्स हमारे जो चाचा होते हैं वो, तो फादर्स ब्रदर. नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर किसे कहते हैं हम? यस, फादर्स फादर, मतलब हमारे दादा, पापा के पापा को हम ग्रैंडफादर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ब्रदर इन लॉ. मतलब हमारे ब्रदर इन लॉ हम किसे कहते हैं? यस, जो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं उसे ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, जिसे हम जीजू भी कहते हैं, राइट. नेक्स्ट इज मैटरनल आंटी. मैटरनल आंटी हम किसे कहते हैं? यस, कि जो मम्मी की तरफ से हो उन्हें हम मैटरनल कहते हैं. तो मदर्स सिस्टर, मम्मी की जो बहन होती है जिसे हम मासी कहते हैं, उसे मैटरनल आंटी कहा जाता है. नाउ किड्स अवर नेक्स्ट मैच द लिस्ट इज मुन्नी. तो मुन्नी क्या है? यस, 4 months old चाइल्ड है. वो 4 महीने की छोटी सी बच्ची है. हमने 6th chapter में पढ़ा, राइट. नेक्स्ट इज वीट. तो वीट में से क्या बनता है? यस, पराठास बनते हैं, राइट. बहुत सारे पराठे बनते हैं ना. नेक्स्ट इज विपुल. तो विपुल कौन है? एक बॉय है, राइट. हमने चैप्टर में पढ़ा था, राइट, पूरी स्टोरी हमने पढ़ी, उसमें विपुल कौन है? एक बॉय है. नेक्स्ट इज राइस. तो राइस में से क्या बनता है? डोसा बनता है, राइट. एंड नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर. तो कॉलीफ्लावर क्या है? एक टाइप का वेजिटेबल है. नाउ अवर थर्ड मैच द लिस्ट इज ब्लाइंड. तो आंसर होगा सी ऑप्शन, पर्सन हु कैन नॉट सी, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम ब्लाइंड कहते हैं. नेक्स्ट इज डीफ एंड म्यूट पार्ट. तो डीफ एंड म्यूट हम किसे कहते हैं? यस, के अ पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक और नॉर हियर. ऐसे पर्सन के जिन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता है और ना ही वो कुछ बोल सकते हैं, जिसे हम डीफ एंड म्यूट कहते हैं. नेक्स्ट इज मेंटली रिटार्डेड. तो मेंटली रिटार्डेड कौन होते हैं? यस, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, जो मानसिक रीत से विकलांग होते हैं, तो उन्हें मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है. नेक्स्ट इज हैंडीकैप्ड. तो हैंडीकैप किसे कहा जाता है? पर्सन विद डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी. किसी भी पर्सन की कुछ बॉडी में विकलांगता हो, जैसे कि हाथ में या पैर में, तो उसे हम हैंडीकैप्ड कहते हैं. नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विद जेस्चर्स ऑफ देयर आइज. जो लोग बोल सकते हैं वो लोग अपनी आंखों के इशारों से बात करते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है. जो इंसान अगर बोल सकता है तो फिर उसे आंखों के इशारों की जरूरत नहीं होती है. जो लोग बोल नहीं सकते हैं वही अपने आंखों के इशारों से बात करते हैं, राइट. तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है. नेक्स्ट इज फैमिली मीन्स पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर. फैमिली का मतलब सिर्फ भाई बहन और हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, राइट. फैमिली में तो मतलब हमारे दादा दादी, हमारे अंकल आंटी, उनके बच्चे, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, सभी लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर. नानी, हमारे मम्मी की जो मम्मी है उसे हम मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब कि नानी कहते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है. आप भी अपने मम्मी के मम्मी को नानी कहते हो ना, राइट.
Next question is, the wife of our father's brother is our mommy. हमारे पापा के भाई की जो वाइफ है उसे हम मामी कहते हैं. तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस फॉल्स है, राइट? क्योंकि हमारे पापा के जो भाई है वो हमारे कौन हुए? चाचा हुए. तो चाचा की वाइफ को हम क्या बोलेंगे? चाची बोलेंगे, राइट? हम मामी नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? चाची कहते हैं. तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर द डीफ म्यूट एंड ब्लाइंड. जो डीफ म्यूट एंड ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हियर. जो डीफ एंड म्यूट चिल्ड्रन होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं पर वो सुन सकते हैं. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. डीफ म्यूट हम किसे कहते हैं? यस, कि जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते. तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जो इंसान सुन सकता है वो बोल भी सकता है. अगर कोई डीफ और म्यूट है तो उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो बोल भी नहीं सकता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैमिली टीचेस अस रिस्पेक्ट. हमारी फैमिली हमें दूसरों का मान करना, आदर करना सिखाती है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स. हमें हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज डन. फैमिली में हमारे जो पापा कहते हैं बस वही काम होता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि पापा जो कहते हैं वही होता है. हमारी फैमिली में सबकी ही बात सुनी जाती है और फिर डिसीजन लिया जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डांस. डांस का जो मेन एस्पेक्ट्स है वो कौन सा है? फेशियल एक्सप्रेशंस है, राइट? बिकॉज डांस में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होना बहुत ही जरूरी है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 4 months ओल्ड चाइल्ड टॉक्स लाउडली. जो 4 महीने का छोटा बच्चा होता है वो जोर से बात कर सकता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदर अ पर्सन इज हैप्पी और सैड कैन बी नोन बाय हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशंस. कोई भी इंसान खुश है या दुखी है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे. हमें हर रोज एक टाइप का ही खाना खाना चाहिए. तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें हर रोज अलग अलग टाइप का फूड खाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉइल्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट. जो बॉइल किया हुआ खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट इज, स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड. जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमें फ्राइड किया हुआ खाना देना चाहिए. तो ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज छोटे से बच्चे को तो सिर्फ जो खिचड़ी होती है या ऐसी चीज़ें कि जो वो इजीली च्यू कर सके, ऐसी ही चीज़ें उसे देनी चाहिए, उसे फ्राई फूड नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन मेक शीरा फ्रॉम व्हीट. हम व्हीट में से शीरा बना सकते हैं. तो ये सेंटेंस ट्रू है. सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये सारे टॉपिक्स आपको लर्न करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.